बसमरिम अल्लाम आज हम जेनेटिकली मोडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस करेंगे जेनेटिकली मोडिफाइड ऑर्गेनिजम्स इज एनी ऑफ़ ऑर्गेनिजम्स दैट हैव है जेनेटिक मटेरियल बाय यूजिंग डिफरेंट जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स तो इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के अंदर ये हो रहा होता है जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑर्गनिज़म्स के अंदर लाई जाती हैं और ये जो जेनेटिक मॉडिफिकेशंस हैं ये इनकी काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन्स हैं अगर आज की के वर्ल्ड के हवाले से बात की जाए तो इसके काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट फील्ड है ये और अगर इसकी हिस्ट्री देखी जाए तो जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है इसकी जो शुरुआत हैं ये नाइनटीन से हुई हैं और नाइनटीन में जो रिसर्चेस थे वो डिफ़रेंट सोर्सेस से डीएनए लेके उसको मिक्स करके तो वो देख रहे थे कि इनके क्या हार्मफुल और क्या बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स जो हैं वो हो सकते हैं तो आम, उसी के साथ साथ जब वो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे तो आम, उस दौरान वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे थे तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के साथ साथ आम, कुछ और जो बायोटेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी की फील्ड्स थी वो भी मर्ज हुई जिस तरह से ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी है और जीन टारगेटिंग है तो इन तीनों चीजों को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन सी टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व हैं और क्या क्या एप्लीकेशंस हैं इनकी फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को आ,

सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम रिकम्बिनेंट डीएनए मालिक्यूल की कंस्ट्रक्शन किस तरह से करते हैं या जो रिकम्बिनेंट डीएनए मालिक्यूल है उसकी मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से होगी तो मैन्युफैक्चरिंग में अगर हम देखें तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती हैं एक तो डोनर और रेसिपियन डीएनए होगा उसके लिए हमें एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जरूरत होगा उसकी कटिंग के लिए सेकेंड चीज हमारे पास वेक्टर आ जाएगा कि जिसके थ्रू हमने जीन um, को जो है वो इंसर्ट कराना है वेक्टर uh, जो है वेक्टर को अगर हम डिफाइन करें तो वेक्टर इज अ पीस ऑफ डीएनए दैट हैव एबिलिटी टू कैरी द जीन टू द सेल कि उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो सेल के अंदर जो है वो जीन को कैरी कर सके और थर्ड हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है रेसिपिएंट सेल रिक्वायर्ड होता है कि जिसके अंदर हमने वेक्टर को इंसर्ट करना है और वहाँ पे उसकी फर्दर जो है वो मल्टीप्लीकेशन होगी तो यहाँ पे अगर आपको डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा है कि यहाँ हमारे पास ह्यूमन सेल है और बैक्टीरियल सेल है ह्यूमन सेल से हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट लेनी है वो जीन लेनी है कि जिसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है या आप कह सकते हैं कि जिसका हमें डिजायर प्रोडक्ट चाहिए तो ये हम ह्यूमन सेल से लेंगे और यहाँ पर हमने ग्रोथ हारमोन की जीन को लिया और सेकेंड जो चीज आ जाती है वो है बैक्टीरिया जिससे हम लोग प्लाज्मेट एक्सट्रैक्ट करेंगे और इस प्लाज्मेट के अंदर हम जीन इंजर्ट करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे अब हम ये चीज देख लेते हैं कि हम बैक्टीरिया को ही क्यों ले रहे हैं तो इसमें ह्यूमन जीन को बैक्टीरिया के अंदर क्लोन करवाने करौन का मकसद ये है कि जो बैक्टीरिया है उसके अंदर बहुत ही स्पीडली वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है और बहुत ही कम टाइम में वो मल्टीपल टाइम्स जो है वो डिवाइड हो जाता है इस वजह से हमारा जो डिज़ायर प्रोडक्ट है हमें बहुत ही कम टाइम में और बहुत जल्दी मिल मिल सकता है तो इसलिए हम बैक्टीरिया को यूज़ कर रहे होते हैं इसको क्लोन करवाने करौन करौन के लिए अच्छा इसमें ये है कि दो चीज़ें इम्पोर्टेंट आ जाती हैं कि एक चीज़ ये आ जाती है कि जो रिस्ट्रिक्शन इंज़ाइम है वो इन दोनों के लिए सेम है कि ह्यूमन सेल को जो रिस्ट्रिक्शन इंजाइम कट करते हैं वही बैक्टीरियल सेल को भी बैक्टीरियल जो प्लाजमेड है उसको कट करने के लिए यूज हो रहे होते हैं जो कि ह्यूमन के जिनोम को कट करेंगे वही सेम इंजाइम जो है वो बैक्टीरिया के इंजाइम को भी बैक्टीरिया के वैक्टर को भी कट कर सकते हैं आप कह सकते हैं कि इनके अंदर यूनिवर्सैलिटी है यूनिवर्सैलिटी uh, है यानी कि दोनों के अंदर एक ही रिस्ट्रिक्शन इंजाइम जो है वो इनको कट कर सकता है तो ये रिस्ट्रिक्शन इंजाइम जो है यहाँ पे हमने इको आर वन लिया है काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन इंजाइम्स जो हैं अभी तक आइडेंटिफाई हो चुके हैं और रिस्ट्रिक्शन इंजाइम्स जो हैं वो पर्टिकुलर साइड्स पे जिनॉम के अंदर पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है जिसको वो कट कर रहे होते हैं और यहाँ पे हमने इको आर वन एंजाइम लिया हुआ है जो एको आर वन है ये इसका नेचुरली जो है बैक्टीरिया के अंदर फंक्शन है और ये डिफेंस के तौर पर काम कर रहा होता है कि एकको आर वन जो है एक रिस्ट्रिक्शन इंजाइम होता है जो कि नेचुरली बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है और इसका काम क्या होता है कि कोई भी फ़ॉरन वायरसेस अगर बैक्टीरिया के अंदर चले जाते हैं तो ये जो रिस्ट्रिक्शन इंजाइम है उस वायरस के डी एन ए को कट कर लेते हैं उसका जो जेनेटिक मटीरियल होता है उसको कट कर लेते हैं और इस तरह से वो जो वायरसेस हैं वो बैक्टीरिया बैक्टीरिया को इन्फेक्ट नहीं कर सकते इसी नेचुरल प्रोसेस को साइंटिस्ट ने यूज किया है अपने पर्पज के लिए तो अम, इसमें जो बैक्टीरिया का अपना डीएनए है वो इन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कैसे महफूज रहता है कि इसमें वो उसका जो बैक्टीरियल जिनोम होता है उसमें मिथाइलेशन हुई भी होती है उस मिथाइलेशन की वजह से ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं वो उसको कट नहीं कर सकते जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है उसको कट नहीं कर सकते तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं इनका पर्टिकुलर से ये कट कर रहे होते हैं जो पर्टिकुलर साइड्स होती हैं उससे कट करते हैं और uh, कट करने के बाद वहाँ पे स्टिकी एंड्स जो हैं वो प्रोड्यूस uh, कर लेते हैं यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि डायग्राम के अंदर कि यहाँ पर इन्होंने ये जो जीन है स्टिकी एंड्स जीन को इकोहार इंजाइम ने कट किया और यहाँ पे स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हुए और इसी तरह के सेम एंड्स जो है ये रिस्ट्रिक्शन ये जो वेक्टर है इसके अंदर भी आपको नजर आ रहे हैं तो यहाँ पे अब ये जो सीक्वेंस हैं ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं जो कि ग्रोथ हार्मोन की जीन के ऊपर जो जो साइड्स आपको नजर आ रही हैं और जो वेक्टर के ऊपर साइड नजर आ रही है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं और ये डीएनए जो है, ये रिकम्बाइन हो जाएगा और रिकम्बाइन होने के बाद ये हमारे पास एक रिकॉम्बिनेट वेक्टर आ गया है और इस वेक्टर को हम लोग क्या करेंगे कि बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर लेंगे और बैक्टीरिया जो है इसको फर्दर उसको आगे एम्पलीफाई करवाएगा अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की थोड़ी कटिंग जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि मैंने आपको जैसा कि बताया था कि हर रिस्ट्रिक्शन इंजाइम के लिए जो सीक्वेंस होता है वो स्पेसिफिक होता है तो अगर हम बात करें रिस्ट्रिक्शन इको आर वन की तो इको आर वन जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो कट कर रहा होता है इस सीक्वेंस को जी डबल ए डबल टी सी ये जो सीक्वेंस है इस सीक्वेंस को जहां पे भी जीनोम के अंदर ये सीक्वेंस होगी इस सीक्वेंस को कट करेंगे बाकी किसी सीक्वेंस को इको आर वन जो है वो कट नहीं करेगा इसी सीक्वेंस को इको आर वन वो बैक्टीरियल जीनोम के अंदर है या ह्यूमन जीनोम के अंदर जहां पे भी ये सीक्वेंस होगा इसको कट करेगा और इकोआर वन जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसकी स्पेसिफिसिटी ये है कि वो पेलीनड्रामिक सीक्वेंस को कट कर रहा होता है पेलीनड्रामिक सीक्वेंस ऐसा होता है कि जब हम उसको लेफ्ट से राइट पढ़ेंगे एक स्ट्रैंड के ऊपर और दूसरी दूसरी पे अगर हम राइट से लेफ्ट पढ़ेंगे तो वो सीक्वेंस जो है वो सेम होगा इस तरह से यहाँ पे स्ट्रैंड के अंदर अगर आप पढ़ रहे हैं अगर आप लेफ्ट से राइट पढ़ें जो ऊपर वाली स्ट्रैंड है तो जी डबल टी सी। और इसी सीक्वेंस को अगर आप दोबारा राइट से लेफ्ट पढ़ें तो वो वही सीक्वेंस बन रहा है जी डबल टी सी तो ये हमारे पास पेरियो सीक्वेंस है इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो कट कर रहा होता है और जिस तरह से आप वो कर लें कि मैडम वर्ड जो है एम ए डी एम मैडम वो आप राइट से लेफ्ट पढ़ें ये स्पेलिंग्स या लेफ्ट से राइट पढ़ें ये मैडम ही होंगे बिल्कुल इसी तरह से ये पहले सीक्वेंस होता है तो यहाँ पे आपको डायग्राम के अंदर नजर आ रहा होगा कि रिस्ट्रिक्शन इंजाइम ने जो है जो जीन थी उसको कट किया और यहाँ से ये जो जेनेटिक मटेरियल था उसको कट किया यहाँ पे दोनों साइड्स पे स्टिकी एंड प्रोड्यूस हुए हैं जो डोनर डीएनए है उसमें भी सेम इसी तरह से स्टिकी एंड प्रोड्यूस हुए हुए हैं और ये दोनों स्टिकी एंड जो हैं ये ज्वाइन हुए हैं और जॉइन होने के बाद हमारे पास जो है ये जो क्लोन वेक्टर है वो उसकी कंस्ट्रक्शन हो गई है जो रिकम्बिन डी एन है उसकी कंस्ट्रक्शन हो गई और यहाँ पे राइट साइड के ऊपर डायग्राम में यहाँ पे वही उसी प्रोसेस को उन्होंने दोबारा से बताया हुआ है कि हमने आइसोलेट किया हुआ है डी को एनिमल या प्लांट्स से कहां से भी कहीं से भी हम लोग कर सकते हैं और यहाँ से हमने बैक्टीरिया से हमने आइसोलेट किया हुआ है प्लास्मिड और इसको दोनों को ज्वाइन किया हुआ है और फिर दोबारा इसको इंसर्ट करवाया हुआ है बैक्टीरिया के अंदर ताकि वो वहां पर उसकी क्लोनिंग हो सके अब वैक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के वक्टर्स जो हैं वो होते हैं सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ हम प्लाजमिट को ही एज अ वैक्टर जो है वो यूज़ कर सकते हैं प्लाजमिट जो हैं आ, वो भी वैक्टर के तौर तो पर यूज़ हो रहे होते हैं इसके अलावा और भी आम, इस तरह से आ जाते हैं कि जिनको हम लोग लो वैक्टर के तौर तो पर यूज़ कर सकते हैं तो अब इनमें डिफरेंस क्या होता है जिस तरह से प्लाजमिट है बैक्टेरियो फेजेस है बैक्टेरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है या यस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है ये सारे वैक्टर्स हैं तो इनमें डिफरेंस क्या आ जाता है कि अगर हमने लार्ज साइज की जीन को एम्पलीफाई करवाना है तो उसी हिसाब से हम लोग वैक्टर को भी सेलेक्ट करेंगे तो जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा स्लाइड के अंदर के जो प्लाज्मिड है उसमें हम अप टू फिफ्टीन के बी तक जो की जो साइज की जीन है उसको एम्पलीफाई करवा सकते हैं या क्लोन करवा सकते हैं बैक्टेरिया फेजिस में अप टू नाइनटी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के अंदर हम लोग 500 तक की जो साइज की जीन है उसको एम्पलीफाई करवा सकते हैं और ये आर्टिफिशल तकरीबन थाउजेंड जो, जो केबी इंजर्ट है उसको हम लोग क्लोन करवा सकते हैं अब थर्ड चीज जो हमने पढ़ी है सेकेंड चीज वो है कि हम रिकॉम्बिनेट डीएनए एन मालिक्यूल को सिलेक्ट कैसे करेंगे सबसे पहले हमने देखा कि हमने रिकॉमिनेट डीएनए एन मालिक्यूल की कंस्ट्रक्शन करवा ली कंस्ट्रक्शन होने के बाद अब हम लोग रिकम्बिनेट डीएनए एन मालिक्यूल को सिलेक्ट कैसे करेंगे क्योंकि जो यहां पे डायग्राम के अंदर जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे एक पैटरी प्लेट है कि जहां पे एक मीडियम है कि जिसके अंदर हमने बैक्टीरिया को ग्रो करवाया हुआ वा और वहां पे हम सारा जो अपना प्रोसेस है वो कैरी आउट करवा रहे हैं तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जो बैक्टीरिया या रिकॉम्बिनेंट डीएनए एन मालिक्यूल हमने बनाया है वो सारे बैक्टीरिया जो है वो उसको इनटेक कर सके तो इसमें जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए मालिक्यूल फॉर्म होता है और उसके बाद जो कॉलोनीज रही होती हैं तो उसमें थ्री तरह के सेल्स होते हैं एक ऐसे सेल्स होते हैं कि जिन्होंने प्लाज्मिड अपटेक ही नहीं किया हुआ होता दूसरी टाइप के सेल्स ऐसे होते हैं कि जिनमें प्लाज्मिड तो होता है लेकिन फॉरेन जीन नहीं होती तीसरी तरह के सेल्स ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर प्लाज्मिड भी होता है और फॉरेन जीन भी होती है और हमने उसी जो थर्ड टाइप की सेल्स हैं उनको पिक करना होता है कि जिसके अंदर फॉरेन जीन होती है और उसी जीन को हम लोग पिक करेंगे और पिक करने के बाद हम उसको हम आगे आ, फर्दर उसको एम्पलीफाई करवाएंगे उसको उस जीन को एक्सप्रेस करवाएंगे उसको स्टिमुलेट करवाएंगे ताकि वो डिज़ायर प्रोडक्ट जो है वो दे अब हमने वो जो फॉरेन जीन जिनके अंदर थी वो हमने पिक की तो हम लोग किस तरह से जब हम एक मीडियम के अंदर हमने वो सारे सेल्स रखे हुए हैं तो ये जो पूरा सेटअप होता है इसको बहुत क्लेवरली डिज़ाइन किया जाता है ताकि हम ऐसे सेल के जो कि रिकॉम्बिनेट नहीं है और जो रिकॉम्बिनेंट so, हैं, उनको हम लोग किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आपको डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है कि ये ये हमने जो एग्जांपल ली हुई है ये बैक्टीरियल आर्टिफिशियल वेक्टर हमने लिया हुआ है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल वेक्टर जो है एक एफ प्लाजमेट होता है उससे बैक्टीरियल आर्टिफिशियल जो क्रोमोसोम है उसकी कंस्ट्रक्शन की जाती है तो इसके अंदर आपको डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा होगा कि थ्री डिफरेंट टाइप के इसके कॉम्पोनेंट है एक ओरिसाइट है और ओरिसाइट जो है ये बैक्टीरिया के अंदर एप्लीकेशन में इन्वॉल्व होती है उसके बाद दूसरी इसकी जो जीन है पार जीन्स है जिसको पार ए और पार बी का नाम दिया जाता है और ये जीन्स जो हैं हैं ये रिस्पॉन्सिबल होती कि जब इक्वल जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो जेनेटिक मटीरियल की कि जब डॉटर सेल प्रोड्यूस हो रहे होते हैं और यहाँ पे एक लैगजी जीन है और लैगजी जीन जो है यही वो साइट होती है क्लानिंग साइट होती है कि जहाँ पे हमने अपना इंजर्ट जो है वो एंटर करवाना होता है तो अब यहाँ पे आपको इधर डायग्राम के अंदर नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे ये साइड जो है रिस्ट्रिक्शन इंजाइम से हमने कट करवाई है यहाँ पे स्टिकी एंड्स जो है वो प्रोड्यूस हुए हुए और अब यहाँ पे हमने फॉरन जीन जो है वो इंसर्ट करवा ली है अब फॉरन जीन जो है वो इंसर्ट हो गई है तो अब ये जो लैग जी जीन है तो ये एक सब्सटेंस होता है एक्सगाल जब हम इस कॉलोनी के अंदर एक्स गार्ड डालेंगे तो ऐसी कॉलोनीज के जिसमें लैक जी, जी जीन के अंदर इंसर्शन नहीं हुई हुई कोई फॉरेन जीन इंसर्ट नहीं हुई हुई तो वो जो कॉलोनीज़ होंगी वो ब्लू कलर देंगी क्योंकि लैग जीन ऐसा जी जी प्रोडक्ट बना रहा होता है कि जो एक्सगॉल एक केमिकल है उसकी प्रेजेंस में ब्लू कॉलोनीज प्रोड्यूस कर रहा होता है लेकिन जब लैग जी जीन जी 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 के दरमियान इंजर्ट आ गया है तो वो अपना डिजायर प्रोडक्ट नहीं बना सकेगी लैग जी जीन जी जी और वो जो कालोनीज होंगी वो व्हाइट कलर की होंगी और व्हाइट कलर की कालोनीज इस चीज की इंडिकेशन है कि यहाँ पे इंजर्ट जो है जो क्लोनिंग साइट है या जो लैग जी वाली साइट है कि वहाँ पे आ, इंसर्शन हुई हुई है फॉरेन जीन की तो उसको हम लोग फिर वहाँ से पिक कर लेंगे और पिक करने के बाद हम उसको एम्पलीफाई करवाएंगे और अपना डिज़ायर प्रोडक्ट जो है वो हासिल करेंगे इनके इस उसके अंदर हमने नेक्स्ट देखना था कि हम सिलेक्शन कैसे करते हैं जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है क्योंकि हर बैक्टीरियल सेल के अंदर जो है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंटर नहीं हुआ हुआ होता सिर्फ कुछ सेल्स होते हैं कि जिसके अंदर एंटर हुआ हुआ होता है तो इस तरह से क्योंकि ये सेटअप बहुत क्लेवरली डिजाइन किया हुआ होता है इसी वजह से हम बहुत इजीली जो है अपना जो क्लोन है अपना जो डिजायर कॉलोनी है उसको हम लोग पिक कर सकते हैं अब हमने कॉलोनी कर ली हमने अपना डिजायर प्रोडक्ट ले लिया अब हम वो जो जीन थी उसको फर्दर वर्क के लिए हम लोग उसको सेव भी कर सकते हैं अब हम लोग आइसोलेट कैसे करेंगे उस जीन को कि हम मेच्योर मैसेंजर आर एन ट्रांसक्रिप्ट लेंगे और उसको अरट्रोवायरसिस के अंदर एक इंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट है वो मैसेंजर आरएनए से जो है वो मैसेंजर आरएनए एन ए एक हाइब्रिड बनेगा तो ये हाइब्रिड बनने के बाद हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट इसको डिग्रेडिंग इंजाइम के साथ ट्रीट करवाएंगे कि जो मैसेंजर आरएनए है वो डिग्रेड हो जाए और हमारे पास सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आ जाए और जब सिंगल स्टैंडर्ड जाएगा उसको डीएनए पॉलीमरेज के साथ इसको एक्ट करवाएंगे तो हमारे पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए आ जाएगा और ये हमारे पास जिस तरह से अगर ग्रोथ हार्मोन की जीन थी तो ये हमारे पास ग्रोथ हार्मोन की जीन आ गई है अब ये हम इसको अपनी लाइब्रेरी के अंदर सेव कर लेंगे और जब भी अगर हमने लोकेट करवाना है ग्रोथ हार्मोन की जीन को तो इसको हम लोग एज अ प्रोब यूज करेंगे कि इसको टैग लगा लेंगे किसी फ्लोरिस डाई के साथ तो जब पूरे जीनोम के अंदर हमने अगर वो करना है तो ये वहां पे जाके टैग लग जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर जीन है ये इस लोकेशन के अंदर है तो इस तरह से हम लोग जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको आइसोलेट भी कर सकते हैं एट एंड जो है वो हमारे पास एप्लीकेशंस आ जाती हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस क्या हैं तो इसमें डिफरेंट टाइप्स की जो ड्रग्स हैं इसके थ्रू प्रोड्यूस की जा रही हैं कि उन जीम्स को हम लोग एंटर करवाते हैं बैक्टेरिया के अंदर और बैक्टीरिया जो है वो डिजायर प्रोटीन जो है वो फॉर्म करना शुरू हो जाता है जिस तरह से डिफरेंट टाइप्स की ये पूरा चार्ट आ, के अंदर जो वो सारे डिस्क्राइब होते एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर बेसिकली करता क्या है कि हीलिंग के प्रोसेस को जो है वो इंक्रीज करवा रहा होता है ये एज अ ड्रग जब हम देंगे तो किसी पर्टिकुलर साइड के अंदर जिस तरह से ज्यादातर एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर को गैस्ट्रिक एल्सर को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है तो ये ग्रोथ फैक्टर जब हम लोग देंगे तो वो जो गैस्ट्रिक एल्सर है उसकी हीलिंग में जो है वो हेल्प कर रही होगी जो इंसुलिन है इंसुलिन का आपको पता है कि डायबिटीज के लिए यूज हो रहा है ग्रोथ हार्मोन है उसके अलावा जो है रेनिन इनहिबिटर है लंगस प्रोटीन प्रोटीन्स हैं इंटल्यूकन से ये डिफरेंट टाइप्स की ड्रग्स हैं जो कि इसको ट्रीट करने के लिए डिफरेंट डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए यूज होती हैं थैंक यू